हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गोडविल लर्नर्स। आई एम साक्षी। कल हमने पढ़ा था सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं हम? वी बोर्ड मास की सहायता से इसे सॉल्व करते हैं। वी बोर्ड मास की सहायता से हम इसे सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम आज देखेंगे, क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन है हमारा 200 डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लीकेशन 4 प्लस 12 माइनस 3। अब हम देखेंगे सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसमें डिवाइड करेंगे। सॉल्यूशन है हमारा 200 डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लीकेशन 4 प्लस 12 माइनस 3। 200 डिवाइड बाई 25 यानी कि 8। कितना हो गया ये डिवाइड करने के बाद? 8। अब हम करेंगे, नेक्स्ट लाइन में देखेंगे, इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लीकेशन 4 प्लस 12 माइनस 3। अब करनी है हमें मल्टीप्लीकेशन। अब हम करेंगे इसमें 8 मल्टीप्लीकेशन 4, कितना हो गया? 32। ये हो गया हमारा 32। नेक्स्ट लाइन में देखेंगे 32 प्लस 12 माइनस 3। अब करना है हमें एडिशन। एडिशन करने किया तो ये कितना हो गया? 32 प्लस 12 ये हो गया 44। अब नेक्स्ट लाइन में देखेंगे इक्वल टू 44 माइनस 3। अब करना है हमें सब्ट्रैक्शन। 44 माइनस 3 किया तो ये कितना हो गया? 41। आंसर कितना हो गया हमारा? 41। इसमें हमें बार लाइन ऑफ ब्रैकेट कुछ भी नहीं दिया था, तो इसलिए हमने इसे सिंपल मेथड से सोल्व किया। सबसे पहले डिवाइड किया, उसके बाद हमने मल्टीप्लीकेशन किया, फिर हमने एडिशन किया, उसके बाद हमने सब्ट्रैक्शन किया। अब हम इसके आगे देखेंगे ब्रैकेट टाइप्स क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। ब्रैकेट टाइप क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन है हमारा 10 माइनस ब्रैकेट ओपन 6 माइनस ब्रैकेट ओपन 7 माइनस ब्रैकेट ओपन 6 माइनस 5 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड बिग ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले हमारा फॉर्मूला ये है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखेंगे, 10 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 6 माइनस ब्रैकेट ओपन 7 माइनस 6 माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले सोल्व किया हमने 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 ये कितना हो गया? 1। अब हम देखेंगे नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट लाइन में क्या करना है हमें? कर्ली ब्रैकेट को सोल्व करना है। 10 माइनस ब्रैकेट ओपन 6 माइनस ब्रैकेट ओपन 7 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट क्लोज। 7 माइनस 1 यानी कि 6। नेक्स्ट लाइन में देखेंगे इज इक्वल टू 10 माइनस ब्रैकेट ओपन 6 माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। अब जब 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। नेक्स्ट लाइन में देखेंगे इक्वल टू 10 माइनस 0। किसी भी संख्या में से यदि हम 0 घटाते हैं या जोड़ते हैं तो संख्या सेम रहती है, इक्वल टू 10 आंसर। इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन सोल्व किया। ब्रैकेट में सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, फिर बिग ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, बाकी जो कुछ दिया होता है उसको सोल्व करते हैं। अब देखेंगे हम क्वेश्चन ऑफ टाइप क्वेश्चंस। ऑफ टाइप क्वेश्चंस हम कैसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 7 प्लस ब्रैकेट ओपन 8 माइनस 3 ऑफ 2 ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले हमें क्या सोल्व करना है इसमें? ऑफ को सोल्व करना है। सबसे पहले हमें क्या सोल्व करना है इसमें? ऑफ को सोल्व करना है। ऑफ के स्थान पर हम क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। 3 ऑफ 2, 3 ऑफ 2 की जगह क्या लिखेंगे? 3 मल्टीप्लीकेशन 2 यानी कि 6। नेक्स्ट लाइन में देखेंगे इक्वल टू 7 प्लस ब्रैकेट ओपन 8 माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करना है हमें? स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करना है। अब हमें इसमें क्या करना है? स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करना है। कैसे हम स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे? 8 माइनस 6 ये कितना हो गया हमारा? 2 हो गया। नेक्स्ट लाइन में देखेंगे क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट लाइन में दिया हुआ है हमें 7 प्लस 2। अब क्या करेंगे हम इसमें? एडिशन करेंगे। एडिशन किया 7 प्लस 2, एडिशन करने के बाद ये कितना हो गया हमारा? 9। आंसर क्या हुआ हमारा? 9 आंसर। सबसे पहले हमने ऑफ को सोल्व किया, ऑफ के स्थान पर मल्टीप्लीकेशन किया, उसके बाद हमने ब्रैकेट को सोल्व किया, उसके बाद में हमने एडिशन किया, और उसके बाद में हमने हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम आगे देखेंगे बार लाइन टाइप क्वेश्चन। बार लाइन टाइप क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें बार लाइन क्वेश्चन में बार लाइन को ही सोल्व करना होता है। क्वेश्चन है हमारा
क्वेश्चन दिया हुआ है 27 माइनस ब्रैकेट ओपन 18 माइनस ब्रैकेट ओपन 16 माइनस ब्रैकेट ओपन 5 माइनस 4 माइनस 1 बार लाइन स्मॉल ब्रैकेट क्लोज बिग कर्ली ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले हम बार लाइन को सोल्व करेंगे। बार लाइन दिया हुआ है 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 यानी कि 3। नेक्स्ट लाइन में देखेंगे क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट लाइन में दिया हुआ है हमें स्मॉल ब्रैकेट। अब हम इसमें सोल्व करेंगे स्मॉल ब्रैकेट। 27 माइनस ब्रैकेट ओपन 18 माइनस ब्रैकेट ओपन 16 माइनस ब्रैकेट ओपन 5 माइनस 3 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड बिग ब्रैकेट क्लोज। 5 माइनस 3 ये कितना हो गया, 2 हो गया। नेक्स्ट लाइन में देखेंगे अब हम सोल्व करेंगे कर्ली ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। कर्ली ब्रैकेट सोल्व किया 16 माइनस 2 यानी कि 14। नेक्स्ट लाइन में देखेंगे 27 माइनस ब्रैकेट ओपन 18 माइनस 14 ब्रैकेट क्लोज। अब कौन सा ब्रैकेट सोल्व करना है हमें, बिग ब्रैकेट सोल्व करना है। अब हम कौन सा ब्रैकेट सोल्व करेंगे, बिग ब्रैकेट सोल्व करेंगे। इक्वल टू नेक्स्ट लाइन में 27 माइनस 4। अब क्या करना है हमें, इसमें सब्ट्रैक्शन करना है। 27 माइनस 4 सब्ट्रैक्ट किया यानी कि 27 माइनस 4 गया तो ये कितना बचा, 23 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सबसे पहले हमने बार लाइन को सोल्व किया, उसके बाद में हमने स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व किया, उसके बाद में हमने कर्ली ब्रैकेट को सोल्व किया, उसके बाद में हमने बिग ब्रैकेट को, और फिर हमने घटा कर दिया। इस प्रकार हमारा